नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य 20 खबरों पर। कानपुर में पुलिस ने सुसाइड करने जा रहे अधेड़ को बचाया। पत्नी से झगड़े के बाद घर से निकलकर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचा, पुलिस से कहा घर में बता देना। में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, बादलों के चलते तापमान में हुई बढ़ोतरी, बारिश के आसार अब नहीं। कानपुर में सर्दी में 24 घंटे में 122 को हार्ट अटैक, एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में भर्ती, एक और वार्ड बनाना पड़ा, एक मरीज की मौत। लखनऊ में मजार पर सुंदरकांड पाठ का ऐलान, पुलिस ने अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता को किया नजरबंद, जीआरपी अलर्ट। लखनऊ के एसएस टावर में लगी भीषण आग, मैनेजर जिंदा जला, 5 बैटरियों में ब्लास्ट, शीशा तोड़कर 17 को बचाया, 3 मंजिला इमारत पर चल सकता है बुलडोजर। आगरा में 138 भवनों पर एडीए करेगा कार्यवाही, वीडियोग्राफी कराकर अवैध निर्माण को किया गया चिन्हित। फरवरी से कानपुर देहात महोत्सव शुरू, तैयारियों में जुटे अधिकारी, डीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। सुल्तानपुर में हिस्ट्री सीटर ने दंपत्ति से की मारपीट, घर में घुसकर अभद्रता की, जान से मारने की दी धमकी, हत्या लूट जैसे मामलों में 9 केस हैं दर्ज। उन्नाव में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के सोने चांदी के गहने और नकदी बरामद, कई थाने में दर्ज है मुकदमे। उन्नाव में कुख्यात अपराधी दघन, पुलिस की पकड़ से दूर, प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने और गेंशी की हत्याकांड में सामने आ चुका है नाम। ट्यूशन जा रही छात्रा से मोबाइल छीना, बदमाश ने रास्ते में रोका, खुद को पुलिस वाला बताकर फोन लिया फिर भाग गया। भदोही में गंगा में डूब रही महिला को बचाने वाले सम्मानित एसपी ने दिया प्रशस्ति पत्र, कहा बहादुरी दिखाते हुए 4 महिलाओं को बचाया था। आधी रात से सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं, सर्दी से अभी राहत नहीं। अमरोहा में बजट को लेकर चित्रकार ने बनाई 12 फीट की तस्वीर, कहा किसानों को कृषि बजट से उम्मीद, इसी को लेकर किसान को भी दिखाया। गाजियाबाद में टायर चुराकर ईंटों पर खड़ी की कार, 4 दिन में ऐसी 3 घटनाएं, लोगों ने रात्रि में पुलिस गश्त पर उठाए सवाल। जालौन में पालिका कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली, नगरवासियों को स्वच्छता का दिया संदेश, शहर को नंबर 1 बनाने की अपील। मथुरा में गोवर्धन पुलिस ने फरार डाक कर्मी को किया गिरफ्तार, विभागीय जांच में उजागर हुआ था 35 लाख का घोटाला, डीएम तक पहुंचा था मामला।
मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव में सपा भाजपा नेता भिड़े, भक्तू कौन बोलकर एक दूसरे को हड़काया, पुलिस तमाशा देखती रही। शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, इसे हासिल करें, मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बच्चों को प्रेरित किया। शाहजहांपुर में 44 करोड़ की 22 किलोग्राम चरस बरामद, बिहार के रहने वाले दो तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से कैराना बेचने ले जा रहे थे। Audio Jungle.